आए ऋतु राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलपत जीवन को चेतन काटा बदल गया। रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बनें। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। किसी भी तरह की वीडियो शीट की रिक्वायरमेंट है तो कॉन्टैक्ट करें एसएम प्रोडक्शन हाउस और अपने फिल्म शूट, वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, शॉर्ट मूवी, वेब सीरीज, कैंडिड फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो और हर प्रकार का सिनेमाटोग्राफिक वर्क करवाएं क्योंकि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एसएम प्रोडक्शन हाउस और अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। आई रिकमेंड एसएम प्रोडक्शन हाउस। देखिए, मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिशें की। आजकल मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी, आप लोगों को सुनाती हूँ। हंसी आए तो रोकना मत, ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, क्योंकि अभी तक तालियां बजाने पर, ठहाके लगाने पर सरकार ने कोई टैक्स लागू नहीं किया। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। तो जब हम हंसते हैं तो ईश्वर की इबादत करते हैं, और जब हंसाते हैं तो ईश्वर हमारे लिए इबादत करता है। तो जितना कठिन होता है हंसना, उससे कठिन होता है हंसाना। तो एक ऐसे कवि हमारे बीच में हैं जो हास्य रस के कविताओं के माध्यम से तनाव को कम करने का काम करते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं। उनका नाम है श्री विनोद पाराशर जी। वो मंच पर आएं और अपने हास्य कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को हंसाने का प्रयास करें। श्री विनोद पाराशर। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, देश में चुनावी माहौल चल रहा है, हंसने हंसाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आसपास ही मिल जाएगा। और चुनाव के मौसम में तो हंसने के लिए बहुत कुछ है।
कुछ रचनाएं चुनावी माहौल की, भिखारी चुनाव के मौसम में एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आता है, चुनाव के मौसम में एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आता है, भविष्य के सुनहरे स्वप्न दिखाकर लूट ले जाता है। बातें छोटी भाषण लंबे, बातें छोटी भाषण लंबे, झंडे डंडे और मुष्टंडे कुछ और नहीं चुनावी हथकंडे। हमने एक कद्दरधारी नेता से पूछा, बंधु ये जाचायो क्या बला है, हमने एक कद्दरधारी नेता से पूछा, बंधु ये जाचायो क्या बला है, वो मुस्कुरा कर बोले, आप नहीं समझेंगे, उठे हुए मामले को दबाने की आधुनिक कला। नेता समझते हैं कि पब्लिक बेवकूफ है, लेकिन पब्लिक मौका आने पर ही चुप रहकर भी जवाब देती है। कविता का शीर्षक चुप्पी। उन्हें कहने दीजिए हमें चुप रहने दीजिए, उन्हें कहने दीजिए हमें चुप रहने दीजिए, उनका कुछ भी कहना व्यर्थ है जब तक आदमी सतर्क है, और हमारी चुप्पी का भी एक विशेष अर्थ है। धन्यवाद। अच्छा, अध्यापक ने छात्र से पूछा, बताओ बेटा किसे कहते हैं सच्चा राष्ट्रनेता। अध्यापक ने छात्र से पूछा, बताओ बेटा किसे कहते हैं सच्चा राष्ट्रनेता। छात्र हो गया शुरू, बोला, गुरु जो छोटी बात पर लंबा भाषण देता है, बहुत कुछ लेता है, कुछ नहीं देता है, तो समझो सच्चा राष्ट्रनेता है। इसी गोत्र की एक और रचना, शरीफ आदमी। शरीफ आदमी सीधा होता है, एकदम सीधा जैसे गधा। शरीफ आदमी सीधा होता है, एकदम सीधा जैसे गधा। शरीफ आदमी अक्सर नाक की सीध में चलता है, उसे नहीं दिखाई देता ऊपर का खुला आकाश, नीचे का कठोर धरातल, या किसी की आंखों का सूनापन। शरीफ आदमी अक्सर नाक की सीध में चलता है, दरअसल शरीफ आदमी कोलू का बैल होता है। शरीफ आदमी कम ही जगता है, अक्सर सोता है, क्योंकि शरीफ आदमी कुंभकर्ण होता है। शरीफ आदमी ना ज़्यादा बोलता है, ना ज़्यादा सुनता है, और ना ज़्यादा देखता है, क्योंकि शरीफ आदमी गांधी का बंदर होता है। मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ, आपका क्या ख्याल है? बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों, और उपकृत करें भी हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा सभी भाइयों को, सभी कवियों को मेरी तरफ से नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल का जो कार्यक्रम 16 साल से निरंतर प्रत्येक रविवार को जो चल रहा है, और उसमें जिसके दर्शकों की संख्या भी तकरीबन 19 लाख हो गई है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ कवियों की भाषाओं में गिरावट आ गई है, जो एक निंदनीय कार्य है और शोचनीय है। इससे हमारी साहित्य परिषद की तरफ से मैं उसकी निंदा करता हूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी एक भाषा की मर्यादा
लोग भूलते जा रहे हैं, हमारे देश के जो बड़े नेता हैं उनके लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, खाली एक हंसाने की या एक वाहवाही लूटने की एक उनकी आदत बन गई है, अपनी मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। मैं इस बात की उनकी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ये कार्यक्रम चल रहा है मैं इसकी उनको बधाई देता हूं, वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इससे हमारा देश अच्छा रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा जो प्रयास ही है ये सफल रहे। मैं अपनी तरफ से, अपने वनवासी रक्षा परिवार की तरफ से, हरि सत्संग समिति की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से मैं इस कार्यक्रम के प्रायोजकों को, साहित्य परिषद को मैं बधाई देता हूं। ऐसा कार्यक्रम चलता रहना चाहिए ताकि हमारी साहित्य की मर्यादा बची रहे। मेरा सबसे ये निवेदन है, इसमें पूरा सहयोग करें। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत जीवन को चेतन काटा बदल गया। नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। किसी भी तरह की वीडियो शीट की रिक्वायरमेंट है तो कॉन्टैक्ट करें एसएम प्रोडक्शन हाउस। और अपने फिल्म शूट, वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, शॉर्ट मूवी, वेब सीरीज, कैंडिड फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो और हर प्रकार का सिनेमाटोग्राफिक वर्क करवाएं क्योंकि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एसएम प्रोडक्शन हाउस और अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। आई रिकमेंड एसएम प्रोडक्शन हाउस।